जैसा कि आज मैं आपको वीडियो में सिखाने वाला हूं कि सीरीज पैलर क्या होता है, सीरीज पैलर को कैसे पहचाना जाता है और मोबाइल फ़ोन में सीरीज पैलर का क्या यूज रहता है और इसका किस तरीके से हम लोग चेक करते हैं मल्टीमीटर द्वारा और इसकी क्या ज़रूरत रहती है। सबसे पहली बात क्या होता है, जो ऐसे लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में बिल्कुल ज़ीरो हैं, उनका कंपोनेंट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो गया है या रजिस्टर कैपेसिटर कॉइल सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, लेकिन उनको परेशानी आती कि ट्रैक चेक करना। ट्रैक चेक करने का मतलब होता है मोबाइल फ़ोन के अंदर लाइन को ढूंढना। अगर हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन के अंदर लाइन को ढूंढा कैसे जाता है, लाइन को चेक कैसे किया जाता है, लाइन को टेस्ट करने का तरीका क्या होता है, जिस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ट्रैक चेकिंग। क्या बोलते हैं? ट्रैक चेकिंग, कि मोबाइल फ़ोन में आने वाले कोई भी ट्रैक को कैसे चेक किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात कहता हूँ, जैसे मेरे पास ये पीसीबी है, ये प्लेट है, ये देखिए, जैसे मेरे पास एमआई का बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर ये अपना स्पीकर का पॉइंट है। स्पीकर के पॉइंट में क्या रहता है कि ये दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर स्पीकर लग जाएगा बजने लगेगा, इसके बीच में कहीं ना कहीं कोई कंपोनेंट लगा होगा, फिर सप्लाई आगे जाएगी, फिर कोई कंपोनेंट होगा, फिर सप्लाई चली जाएगी आईसी के अंदर। सेम इसी तरीके से दूसरा भी ट्रैक होगा, इस दूसरे वाले ट्रैक में अगर हम देखेंगे तो इसमें भी कंपोनेंट्स लगे होंगे, फिर सप्लाई जाएगी, फिर कोई कंपोनेंट लगा होगा, फिर सप्लाई आगे चली जाएगी। तो ये जो बीच का हिस्सा आता है, इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं ट्रैक। क्या बोलते हैं? ट्रैक। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो ट्रैक को कैसे चेक करते हैं, ट्रैक को चेक करने का तरीका क्या होता है। दूसरी बात क्या, इसी ट्रैक को हम लोग तभी चेक कर सकते हैं जब हमको मोबाइल फ़ोन में सीरीज पैलर के बारे में हमको नॉलेज होगा। सीरीज पैलर के बारे में नॉलेज होगा तभी हम ट्रैक को चेक कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ट्रैक चेक करने का तरीका समझाने वाला हूँ कि ट्रैक को किस तरीके से चेक करते हैं और किस तरीके से सीरीज पैलर को चेक किया जाता है, कैसे हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर लाइन काम करती है और किस तरीके से उस लाइन को पहचाना जाता है, लाइन को ट्रेस करते हैं। तो आज ट्रैक टेस्टिंग, सीरीज पैलर, आप कुछ भी कह सकते हैं, इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है, इसी चीज़ को मैं आपको प्रैक्टिकली चेक करके भी दिखाऊंगा बोर्ड के अंदर मल्टीमीटर के द्वारा, लेकिन अभी मैं आपको पहले बोर्ड में आपको समझाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए तो किस तरीके से चेक किया जाता है। दूसरी बात क्या, कोई भी काम करते हैं तो जब तक हमको उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, उसका तरीका नहीं समझ में आता, उसका लॉजिक नहीं समझ में आता, तब तक हम अगर प्रैक्टिकल करना चाहें तो प्रैक्टिकल कर सकते हैं, लेकिन वो सही हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन हमको उस चीज़ का कभी कोई अनुभव नहीं हो सकता, लेकिन हम उस चीज़ को फील तभी कर सकते हैं जब हम उस चीज़ के बारे में प्रॉपर समझें। भाई, हमको पता है कि वहाँ तक जाना है, वहाँ तक 10 किलोमीटर की दूरी पड़ती है और इस तरीके से जाएंगे, फिर हम चलते हुए चले जाएंगे, वरना आपको 1 किलोमीटर जाना भी बहुत बड़ा मुश्किल लगेगा। क्यों मुश्किल लगेगा? क्योंकि आपको रास्ता नहीं पता। अगर रास्ता पता होता है, ट्रैक पता होता है, मोबाइल फ़ोन के अंदर की कनेक्टिविटी पता होती है, तो आपको फॉल्ट ठीक करना बहुत आसान है। अगर आपको कनेक्टिविटी नहीं पता तो फॉल्ट ट्रेस करना उतना ही मुश्किल है। चलिए, जैसे हम बात कर रहे थे कि सीरीज पैलर क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज की। सीरीज का मतलब क्या रहता है? ऐसे कंपोनेंट जो एक लाइन में लगे होते हैं। कैसे लगे होते हैं? एक लाइन में, जैसे ये, जो कंपोनेंट एक लाइन में लगे होते हैं वो कंपोनेंट हमारे क्या कहलाते हैं? सीरीज कहलाते हैं। जो कंपोनेंट सिंगल लाइन में लगे होते हैं वो सीरीज कहलाते हैं। अब सिंगल लाइन, आपको पता कैसे चलेगा कि सिंगल लाइन कैसे है? जैसे मान लिया एक कंपोनेंट लगा हुआ है, मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करेंगे, रेड पिन को ग्राउंड पर रखेंगे, ब्लैक से चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर आएगा वैल्यू, दूसरी तरफ चेक करने पर आएगा वैल्यू, तो इसका मतलब होता है ये वाला हिस्सा प्लस, ये वाला हिस्सा प्लस, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? सीरीज। अगर मान लिया तुमने चेक किया, इस तरफ से चेक करने पर आ रही बीप, इस तरफ से भी चेक करने पर आ रही बीप, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा? सीरीज। हमेशा जो कंपोनेंट सीरीज में लगे होते हैं उसमें या तो दोनों साइड प्लस होते हैं या दोनों साइड माइनस होते हैं, तो वो हमारे कौन से कंपोनेंट्स कहलाते हैं? सीरीज में। मतलब ऐसा कंपोनेंट जो एक ही ट्रैक में लगाओ, किसमें लगाओ? एक ही ट्रैक में लगाओ, सिंगल ट्रैक में लगाओ, जो सिंगल ट्रैक में लगा होता है वो सारे कंपोनेंट सीरीज में होते हैं। अब वो सिंगल ट्रैक तुम्हारा पॉजिटिव सप्लाई का भी होता है
अब वो सिंगल ट्रैक तुम्हारा नेगेटिव सप्लाई का भी होता है। अगर नेगेटिव सप्लाई के ट्रैक में जैसे कंपोनेंट लगे होंगे तो मान लिया इधर से चेक करने पर बीप आएगी, इधर से भी चेक करने पर बीप आएगी, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये क्या हो गया सीरीज। इधर तुमने चेक किया इस तरफ भी वैल्यू आ रही, इस तरफ वैल्यू आई, तो दोनों इस तरफ प्लस, तो ये क्या हो जाएगा सीरीज। यदि दोनों साइड से वैल्यू आती है तो हमारा क्या हो जाएगा सीरीज हो जाएगा, यदि दोनों साइड से बीप आएगा तो भी हमारा सीरीज होगा। तो कहने का मतलब है कुल मिलाकर यदि दोनों साइड में प्लस प्लस हैं तो अपना सीरीज, दोनों साइड में माइनस माइनस है तो सीरीज। ये तो हमारा सीरीज को पहचानने का तरीका है। यदि हमारे पास कोई मोबाइल फ़ोन आता है उसमें जब आप चेक करते हैं तो ये मैंने सीरीज के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे पैरेलल के बारे में। पैरेलल का मतलब क्या होता है, ऐसे कंपोनेंट जो समांतर लगे होते हैं। समांतर का मतलब क्या होता है कि दो ट्रैक के बीच में लगे होते हैं, जैसे एक ट्रैक ये एक ट्रैक ये, दोनों के बीच में लगा हुआ है। अब इसमें चेक करेंगे तो एक साइड तो चेक करने पर वैल्यू आएगी, दूसरी साइड चेक करने पर बीप आएगी। एक साइड चेक करने पर वैल्यू, दूसरी साइड पर चेक करने पर बीप। जैसे मान लीजिए ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को तुमने ग्राउंड से चेक किया तो इस तरफ से चेक करने पर आ रही वैल्यू, इस तरफ से चेक करने पर है बीप, तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा माइनस, ये वाला हिस्सा हो जाएगा प्लस। तो मतलब इस कंपोनेंट्स में दो पॉइंट हो गए, एक हो गया पॉजिटिव, दूसरा पॉइंट हो गया निगेटिव। तो अब ये कंपोनेंट जो है इसमें जो सप्लाई चलेगी वो इधर से चलेगी, इधर से चलेगी, लेकिन ऐसे कभी सप्लाई नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि हमेशा जो सीरीज में कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो सप्लाई को पास करते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, वो कंपोनेंट का प्रॉपर्टी है, कंपोनेंट का गुण है। लेकिन जो सीरीज में लगे होंगे उन्हीं में सप्लाई आगे की तरफ जाएगी, जो कंपोनेंट्स पैरेलल में लगे होते हैं उसमें सप्लाई आगे जाती है लेकिन फिल्टर होकर के जाती है, वो सप्लाई को पास नहीं करते। तो जब दो ट्रैक के बीच में कंपोनेंट्स लगा होता है तो उसमें पैरेलल आता है। अब अगर मोटी भाषा में अगर देखा जाए तो ऐसा कंपोनेंट जिसमें एक हिस्सा प्लस होगा दूसरा हिस्सा माइनस होगा, मतलब एक पॉइंट क्या होगा प्लस होगा, दूसरा हिस्सा क्या होगा माइनस होगा, तो वो कंपोनेंट्स हमारा क्या कहलाएगा पैरेलल में कहलाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सीरीज पैरेलल को हम लोग पहचानते हैं कि जो कंपोनेंट सीरीज में लगा होता है उसमें दोनों साइड वैल्यू या दोनों साइड बीप आती हैं वो सीरीज। यदि कोई भी कंपोनेंट ऐसा है जो दोनों साइड से बीप देता है, सॉरी दोनों साइड में से एक साइड वैल्यू देता है एक साइड बीप देता है, तो वो हमारा क्या होता है पैरेलल होता है। कभी कभी क्या होता है हमारे मोबाइल फ़ोन में कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो दोनों साइड से बीप, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जैसे एक कंपोनेंट लगा हुआ है इसमें इस तरफ से बीप प्लस आ रहा है, इस तरफ से प्लस आ रहा है, मतलब दोनों साइड से वैल्यू आ रही है, लेकिन ये कंपोनेंट्स फिर भी हमारा पैरेलल में काउंट किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे मान लिया एक ये पॉजिटिव की सप्लाई है, एक ये पॉजिटिव की सप्लाई है, दोनों पॉजिटिव की सप्लाई के बीच में अगर मान लिया कोई कंपोनेंट्स लग गया, कोई कैपेसिटर लग गया, तो ये इधर से भी वैल्यू देगा इधर से भी वैल्यू देगा, लेकिन ये वाला जो कैपेसिटर होगा ये पैरेलल में काउंट होगा। इसलिए काउंट होगा क्योंकि ये कैपेसिटर को हम लोग बैलेंसिंग कैपेसिटर कहते हैं, या ऐसे कंपोनेंट को हम लोग बैलेंसिंग कंपोनेंट कहते हैं। ये बैलेंसिंग कंपोनेंट क्या काम करते हैं, दोनों ट्रैक के बीच में लगे होते हैं और सप्लाई को इधर उधर कर देते हैं, जिससे क्या होता है सप्लाई हमारी वेस्टेज नहीं जाती, तो ये भी सप्लाई फिल्टर करने काम करता है। लेकिन ये प्लस प्लस के ट्रैक में लगा होता है, लेकिन ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं लगा होता जो माइनस माइनस के ट्रैक में पैरेलल में लगा हो। हमेशा प्लस प्लस के ट्रैक में जो कंपोनेंट लगे होते हैं वो एक बार पैरेलल में काउंट कर लिए जाते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें ओनली कैपेसिटर्स ही लगी होती हैं। तो सीरीज का मतलब क्या होता है, जिसका दोनों हिस्सा क्या हो गया प्लस या दोनों हिस्सा माइनस सीरीज, यदि इसका एक हिस्सा प्लस एक हिस्सा माइनस तो वो क्या हो जाएगा पैरेलल में। अब हम बात करते हैं हमारे बोर्ड में से हम लोग ट्रैक कैसे चेक करते हैं। ये तो मैंने सीरीज पहले चेक करने का तरीका समझाया, अब हम मेन बात पे आते हैं कि हम लोग ट्रैक कैसे चेक करते हैं, ट्रैक चेक करने का तरीका क्या होता है। जैसे ये आपका बोर्ड है, इस पीसीबी में आपने देखा ये स्पीकर का पॉइंट है, स्पीकर के पॉइंट में आपने देखा यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर वैल्यू आएगी, यहाँ पर चेक करेंगे तो चेक करने पर वैल्यू आएगी। अगर दोनों साइड वैल्यू आती है तो इसका मतलब है कि दोनों का ट्रैक का जो कनेक्शन है वो आईसी से है। रीडिंग से हमको ये पता चलता है कि इसकी ट्रैक की कनेक्टिविटी जो आईसी से हमारी है, अगर इसकी ट्रैक की कनेक्टिविटी हमारी आईसी से नहीं होगी तो यहाँ पर रीडिंग नहीं आएगी, या लाइन बीच में ब्रेक हो जाएगा, सप्लाई कंपोनेंट कुछ भी ख़राब हो जाएंगे तो हमारी सप्लाई ब्रेक हो जाएगी। अब देखिए
हमारे मोबाइल फ़ोन में कंपोनेंट कैसे लगे होते हैं, कैसे वर्किंग करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे मान लिया एक कंपोनेंट ये लगा हुआ है, एक कंपोनेंट ये लगा हुआ है, एक कंपोनेंट ये लगा हुआ है, एक कंपोनेंट ये लगा हुआ है। अब आपको चेक करना है, तो सबसे पहले बात आपने रीडिंग चेक कर लिया। रीडिंग चेक करने के बाद आपका क्या करना है, मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करना है, एक पॉइंट को यहाँ पर रख लेना है। उसके बाद देखना है इसमें कौन सा कंपोनेंट बीप दे रहा है। जैसे आपने देखा इसके ट्रैक का ये वाला कंपोनेंट बीप दे रहा है, तो ये इसका ट्रैक है। फिर उसके बाद आपने आगे चेक किया तो इसके आगे भी बीप दे रहा है, तो आगे बीप देने का मतलब ये कंपोनेंट ये आपस में जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद आपने चेक किया तो यहाँ पर भी बीप आ रही है, तो मतलब ये कंपोनेंट यहाँ भी जुड़ा हुआ है, ये कंपोनेंट सीरीज में लगा हुआ है। अब अगर आपने आगे चेक किया तो आगे चेक करने पर कुछ नहीं बताता, यह वैल्यू देने लगता है, तो आप तुरंत इस वाली पिन को यहीं, इसको तो यहीं रखा रहने दीजिए, लेकिन इस वाली पिन को उठाकर ग्राउंड पर चेक करिए। अगर ये ग्राउंड से चेक करने पर बीप दे देता है तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट नेगेटिव हो गया, ये सप्लाई इधर से आगे चली जाएगी लेकिन आगे नहीं जाएगी, क्योंकि आगे का हिस्सा क्या है, नेगेटिव है। ये कंपोनेंट पैरेलल में लगे होते हैं। हमेशा मैंने आपको बताया कि हमेशा जब सप्लाई जो होती है, जो सीरीज में लगे कंपोनेंट्स होते हैं उनसे सप्लाई आगे बढ़ती है, लेकिन जो पैरेलल में कंपोनेंट लगे होते हैं यहाँ पर सप्लाई फिल्टर होती है फिर आगे जाती है, लेकिन आगे की तरफ नहीं जाती, आगे पास नहीं होती, वहीं से फिल्टर होकर के आगे चली जाती है लेकिन आगे नहीं पास होती। ये मैंने इसको सेम ऐसे इसको भी चेक करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक बीप आएगी, उसके बाद आगे चेक करेंगे तो बीप नहीं आ रही है, आपने तुरंत ग्राउंड से चेक किया तो ग्राउंड से बीप आ रही है, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा माइनस हो गया। अब ये सप्लाई इधर से ही आगे चली जाएगी इस कंपोनेंट पर, फिर होते हुए तब आईसी पर चली जाएगी। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये हमारा पैरेलल में काउंट हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट हमारा सीरीज में काउंट होगा, इसमें ये वाला पैरेलल में होगा, ये वाला सीरीज में होगा। तो ऐसा कंपोनेंट जिसमें एक ही टर्मिनल जाता है या एक ही साइड जाता है तो वो हमारा पॉजिटिव में काउंट होता है, जिस कंपोनेंट में एक हिस्सा नेगेटिव हो जाता है तो वो हमारा किस में हो जाता है, पैरेलल में हो जाता है। अब देखिए इसी चीज़ को मैं आपको बोर्ड में चेक करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बोर्ड में ये बताता हूँ कि कौन सा कंपोनेंट प्लस में है, कौन सा कंपोनेंट किस में है, माइनस में है। देखिए जैसे ये मेरे पास बोर्ड आ गया, मैट दीजिए मुझे, जैसे ये मेरे पास बोर्ड आ गया, इस बोर्ड में आपने देखा ये हमारा छोटा सा स्पीकर का पॉइंट बना हुआ है। आज मैं आपको एक ट्रैक चेक करके सिखाता हूँ, एक ट्रैक जब आप चेक कर देख लेंगे तो फिर आप दूसरे के बारे में आपको और अच्छा समझ में आएगा। मल्टीमीटर को क्या करेंगे, बी पॉइंट पर सेट करेंगे, ट्रैक को चेक करने के लिए मल्टीमीटर में इस तरीके से बारीक सुइयां लगा लें ताकि आप आसानी से चेक करने के लिए आसानी रहेगी। आप पिन वाली लगा लीजिए, आपने देखा यहाँ पर चेक करने पर सर रीडिंग आ रहा है, सर उल्टा चेक कर रहा हूँ मैं, रेड को ग्राउंड पे लगाना हो तो ब्लैक से चेक करना होता है, ये चेक करने का नियम होता है। आप यहाँ पर चेक करेंगे देखिए रीडिंग आ रही है 470, यहाँ पर चेक किया रीडिंग आ रही है, इसका मतलब दोनों का लाइन आईसी से कनेक्ट है। अगर दोनों का लाइन आईसी से कनेक्ट नहीं होगा तो ये रीडिंग नहीं देगा। अब हम बात करते हैं इसका ट्रैक चेक करेंगे। इसका ट्रैक चेक करने के लिए एक पिन को आपने इस पर रख लिया, और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन सा कंपोनेंट सीरीज में, कौन सा कंपोनेंट पैरेलल में, उसको कैसे फाइंड करते हैं। जैसे आपने देखा रेड पिन को ग्राउंड पर रखा, आपने देखा इस कैपेसिटर में एक साइड से बीप आ रही है, एक साइड से वैल्यू आ रही है, तो जिस साइड से वैल्यू आ रही वो वाला प्लस हो गया, जिस साइड से बीप आ रही वाला हिस्सा नेगेटिव हो गया। फिर हमने दूसरे कंपोनेंट में चेक किया, जिस कंपोनेंट पर बीप आ रही है क्या हो गया, माइनस, वैल्यू आ रही है क्या हो गया, प्लस। आपने जैसे इस कॉइल पर चेक किया, इसमें चेक करने पर क्या आ रहा है, रीडिंग आ रहा है। आपने दूसरे साइड चेक किया, रीडिंग आ रहा है, तो मतलब ये किस में हो गया, सीरीज में, मतलब इधर वैल्यू इधर वैल्यू, यानी ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये किस में हो जाएगा, सीरीज में। तो जिस साइड में दोनों साइड से वैल्यू, दोनों साइड से बीप आता है तो वो सीधी, जिसमें एक तरफ बीप एक तरफ वैल्यू, वो कंपोनेंट पैरेलल में काउंट होते हैं। अब हम बात कर रहे थे ट्रैक चेक करने के लिए, तो हमने जैसे इस पिन को यहाँ पर रखा, उसके बाद फिर हमने देखा यहाँ पर रीडिंग आ रही है, ट्रैक सही है। अब आपने देखा इसके ट्रैक में कंपोनेंट देखा है, ये देखिए कंपोनेंट बीप दे रहा है। हमने इस कंपोनेंट के दूसरे वाले पॉइंट पर रखा तो यहाँ भी बीप दे रहा है, तो इसका मतलब क्या, इधर से बीप दे रहा है, इधर से बीप दे रहा है। फिर हमने तुरंत अगर दूसरे टर्मिनल को ग्राउंड पर रख के देखते हैं तो ग्राउंड से बीप नहीं आती, तो इसका मतलब क्या, ये पॉजिटिव हिस्से से ही जुड़ा हुआ है, ये हमारा सीरीज में लगा हुआ है। फिर हमने दूसरा चेक किया, इधर बीप आ रही है, आगे बीप
देखो नहीं आ रही, जब आगे बीप नहीं आ रही तो मैंने तुरंत आगे वाला जो टर्मिनल, इस टर्मिनल को उठा करके ग्राउंड पर रखा। देखो ग्राउंड से बीप आ रही, मतलब इसका एक हिस्सा तो पॉजिटिव है, दूसरा हिस्सा क्या है निगेटिव। तो मतलब ये कंपोनेंट एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये हमारा पैलर में लगा हुआ है, ये सप्लाई इधर गई, फिर आगे चली गई, फिर कैपेसिटर के पॉइंट पर गई, कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट से नहीं जाएगी क्योंकि दूसरा हिस्सा ग्राउंड पर जुड़ा हुआ है। सेम उसी तरीके से ये ट्रैक है, इसका सप्लाई इधर जाएगा, इसके बाद सॉरी इस ट्रैक से इधर जाएगा, आगे जाएगा, उसके बाद कैपेसिटर पर जाएगा, कैपेसिटर के आगे नहीं दिखा रहा तो हमने ग्राउंड पर चेक किया, तो ग्राउंड से चेक करने पर क्या दे रहा है, बीप दे रहा है। तो ये हमारे कंपोनेंट का ऐसा पोजीशन लगा हुआ। अगर इस चीज़ को अगर मैं बोर्ड में आपको डिस्क्राइब करता हूँ, थोड़ा सा सर्किट समझाता हूँ, सर्किट में देखेंगे, सर्किट की अगर हम बात करेंगे कि जैसे मान लिया स्पीकर का ये हमारा टिप्स है, इसमें से ये हमारा सप्लाई ऐसे कॉइल लगा हुआ है, फिर कॉइल में से ऐसे कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर में सप्लाई फिल्टर होकर के तब हमारी आईसी पे जाती है, उसके बाद दूसरा हिस्सा आ गया, फिर कॉइल लगा हुआ है, फिर कैपेसिटर है, फिर सप्लाई आईसी पे जाती है। तो ये हमारा कंपोनेंट सीरीज में काउंट हो गए, और ये कंपोनेंट हमारा किस में हो गया, पैलर में हो गया। अगर मान लिया यहाँ पर चेक करने पर वैल्यू नहीं आती तो इसका मतलब क्या होता है, ये तुम्हारा कॉइल ख़राब हो जाएगा तो यहाँ पर रीडिंग नहीं आएगा। अगर मान लिया तुम्हारा चेक करने पर, यहाँ पर चेक करने पर बीप आने लगता है तो इसका मतलब होता है इसके लाइन में कोई ना कोई कंपोनेंट ऐसा है जो पैरेलल से टच होता है, वो शॉर्ट हो गया है। तो वो पैरेलल से क्या टच होता है, वो आपका जैसे कैपेसिटर टच हो रहा है तो ये देखेंगे दोनों तरफ से बीप देगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा, तो इसको यहाँ से आप डिस्कनेक्ट कर देंगे। जैसे आप इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे तो वो प्लस माइनस दोनों लाइनें अलग अलग हो जाएंगी और आपके मोबाइल फ़ोन में शॉर्टिंग दूर हो जाएगी, फिर यहाँ पर वैल्यू आने लगेगी। वैल्यू आने का मतलब क्या, आपकी कनेक्टिविटी ओके हो गई। जब आपकी कनेक्टिविटी ओके हो जाएगी तो आपका ट्रैक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी तरीके से आप मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई भी ट्रैक हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी तरह का ट्रैक हो, आप इस तरीके से ट्रैक को फाइंड कर सकते हैं और ट्रैक को चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आज मैंने देखा, आज मैंने आपको सीरीज पैरेलल के बारे में आपको समझाया, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं उन्होंने बोला था कि सर मेरे को थोड़ा सा ट्रैक चेक करने का तरीका आप समझाइए, या सीरीज पैरेलल क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है। मैंने आप आज की वीडियो में आपको प्लस माइनस को चेक करना, सीरीज पैरेलल को फाइंड करना और ट्रैक कैसे चेक किया जाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बेसिक आपको बताया है। और मेरा नाम राघवेंद्र और मैं कानपुर से बात कर रहा हूँ। अपना ट्रेनिंग सेंटर जो है वो ईटेक नाम से है, वो कानपुर में है, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से टेक्निकली रिपेयरिंग की पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है। ये पूरा 45 दिन का पूरा ट्रेनिंग कोर्स रहता है। 45 दिन के अंदर जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन होते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, MMC, OCA रिपेयरिंग, पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। 45 दिन के अंदर आप पूरा कम्प्लीटली कोर्स सीख करके जाएंगे। कि जैसा कल की वीडियो में आपको और भी इससे आगे के इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताऊंगा, आपको और भी क्या चीज़ें चाहिए आप मुझे वीडियो में डाल सकते हैं। ये जो मैं आपको वीडियो बनाता हूँ, कोई ऐसा वीडियो नहीं होता कि मतलब ऐसे ही वीडियो डाल दिया, ये मैं आपको एज ए ट्रेनिंग पीरियड की वीडियो देता हूँ, ताकि आप कुछ चीज़ों को सीख सकें और सीखने के बाद लाइनों को चेक कर सकते हैं, फॉल्ट को डायग्नोस कर सकें, या आप ऐसा चीज़ सीख सकते हैं कि फॉल्ट को डायग्नोस करने का तरीका क्या होता है, ट्रैक कैसे चेक किया जाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज मैं वीडियो में आपको बताया है। एक एक करके आपको ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी कुछ अगर आपको मुझसे हेल्प चाहिए तो आप मुझे दिए गए नंबर पर 6391711711 इस नंबर पर आप कॉल करके मुझे पूरी जानकारी ले सकते हैं। या कोई ऐसे पर्सन है जिसको कोई भी लेटेस्ट टूल चाहिए, जैसे माइक्रोस्कोप चाहिए, Acertown DW प्लस चाहिए, या स्टेंसिल चाहिए, या टूल्स चाहिए, UMT प्रो वगैरह है, सॉफ्टवेयर वगैरह है, या स्टेंसिल है, कोई भी ऐसी चीज़ चाहिए, तो सर आप मंगा सकते हैं और आप अपना ऑर्डर कर सकते हैं, आपको चीज़ मिल जाएगी। हमारी टीम है, वो आपको चीज़ आपको प्रोवाइड कराएगी, आसानी से आपको मिल जाएगी। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे उस चीज़ के लिए शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो में आपको कैसा लगा, कैसा समझ में आया, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।